संस्था के दिव्यांग सेवा प्रभाग द्वारा इंदौर से दिव्यांग बच्चों के लिए समानता, संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए 15 दिवसीय अभियान का आगाज हुआ। इसी अभियान के तहत इंदौर के ओम शांति भवन के सहयोग से प्रभाग द्वारा महेश दृष्टिहीन स्कूल और रोटरी पाल हैरिस स्कूल में कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। माउंट अबू से आए दिव्यांग सेवा के प्रभारी बी के सूर्यमणि भाई ने कहा कि समाज में ऐसी प्रसिद्ध विभूतियां हुई है जिन्होंने विकलांगता को बाधा न मानते हुए सफलता पाई है। इसलिए मंजिल को ये नहीं बताओ कि बाधा क्या है, बाधाओं को बताए कि मेरी मंजिल क्या है। बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह के खेल के माध्यम से जीवन जीने की श्रेष्ठ कला सिखाई, साथ ही राज्यों के अभ्यास द्वारा जीवन में संतुलन बनाने की बात कही। इसके अलावा अन्य अतिथियों ने भी बच्चों को अलग अलग रीति से प्रेरित किया। समाज जिसको हम उन्नत समाज कहते हैं और जिसको जिसमें हर एक नागरिक का जो स्वतंत्रता है वो कायम है, लेकिन जब हम दिव्यांगों की बात करने लगते हैं या उनके प्रति ध्यान देना चाहते हैं तो देखा जाता है कि समाज में आज भी विषमता है, बहुत सारी विषमता है। कार्यक्रम के दौरान रोटरी पाल हैरिस स्कूल के सचिव सरजीव पटेल, रोटरी क्लब इंदौर के अध्यक्ष राकेश बमोरिया, बीके आशा और बीके नारायण भी उपस्थित रहे।